हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम पुष्पन धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में। इसके पहले मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, हालांकि मैंने इसके पहले इंटीग्रेशन की ट्रिकें ही बताई बहुत सारी, जिसको आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बट आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता हो। अगर आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक टर्म्स, एवरीथिंग, रूल्स, जितने भी इसके रूल हैं इंटीग्रेशन के, मैं पूरे इसमें समझाने वाला हूँ, बेसिक से बेसिक चीज़, जिसमें आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन में आप जान, जैसे डिफरेंशिएशन, आपको बता दूँ कि हर चीज़ का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। हर फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर पाए आसानी से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही इसके के फॉर्मूले होते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे x का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ये इसका जैसे लिखने का तरीका होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। dx का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रेशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको इंटीग्रेशन आना है तो आपके लिए उसके फॉर्मूले पूरे याद होना चाहिए, जो कि आपके बेसिक फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन के जस्ट उलट होते हैं। आप फॉर्मूले तो ऑब्वियस ही बात आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो जैसे मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, पावर इसके ऊपर पावर 1 है, तो हो जाएगा एक्स 1+1/1, और प्लस में आपको सी लिखना पड़ता है। सी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू को डिपेंड करती है कि कितनी को आपको आगे जब आप लिमिट वाले क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी बस यहाँ पे आपको सिर्फ सी लिखना होता है। तो आपको होगा x²/2, बेसिक, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दूं, इंटीग्रेशन में कभी भी किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का जैसे जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनका जीरो हो जाता था, तो यहाँ पे जीरो नहीं होता। जैसे सपोज करो कि लिखा है 2x² + 2 लिखा है, अगर मैं ऐसे ही एक मान लो चलो 3 लिखा है और dx, तो आप 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³/3, और 3 का हो जाएगा x। जी हाँ, 1 का क्या होता है, कांस्टेंट का x हो जाता है, और प्लस क्या जाएगा, c। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ लिखा हो, जैसे ऑब्वियस ही बात है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते हैं, अगर कोई भी कांस्टेंट अगर फंक्शन वेरिएबल के साथ लिखा है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा वैसा ही करेंगे, सिर्फ हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू एक्स आ जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में करें, वो जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी आ जाएगा। तो ये एक जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन होगा। इसमें हमें एक बात पता चले कि यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हमें उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, उसका तो एक्स लिख देते हैं। अब जैसे क्या होता है कि इंटीग्रेशन में आपको बता दूँ, डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि अगर ये लिखा है x²/1 लिखा है, तो भैया इसमें इंटीग्रेशन में आपका डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँ। जैसे कि यहाँ लिखा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन अगर ये लिखा है sin 3x, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करूँगा मैं, तो ऑब्वियस ही बात है साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 3x। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका फंक्शन वेरिएबल के साथ कुछ लिखा हुआ है, जैसे डिफरेंशिएशन होता है तो ये 3x लिखा है, तो इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्या करेंगे अपॉन में डिफरेंशिएशन 3x का, तो माइनस का कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस सी, दिस इज दी आंसर। क्या होता है डिफरेंशिएशन में, क्या होता था इनटू में डिफरेंशिएशन होता था, यहाँ पे इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे अपन और देख लेते हैं, जैसे लिखा है e^4x dx लिखा है, तो e^4x का ऑब्वियसली बात e^4x होगा, बट अपॉन में किसका, 4x का मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो e^4x/4+c, सो दिस इज़ दी आंसर। तो सेकंड चीज़ समझ में आ गई, अगर किसी भी फंक्शन में अगर जैसे कोई थीटा एंगल वेंगल के साथ या पावर के साथ कुछ भी एक साथ कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसके ऊपर आप अपॉन में डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं अपॉन में डिफरेंशिएशन। देखिएगा बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं, अगर आपको ये सब पता है तो आपको आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरी बात यहाँ पर होती है कि अगर ये लिखा है, आपको बता दूं कि होल पावर का इंटीग्रेशन मुश्किल होता है, नहीं होता है होल पावर का इंटीग्रेशन। अब वो कब होता है हम उसका जरा ध्यान से देख लेते हैं, कब होल पावर, जैसे पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, पावर 6 है, कब उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। जैसे कि लिखा है ax + b की पावर 2 लिखा है, ठीक है।
अगर इसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन 1, तो आप इसका होल पावर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो आप इसका होल पावर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो हम इसका होल पावर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और नहीं आता तो नहीं कर सकते। जैसे समझिएगा, जैसे इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स ए हो जाएगा, बी का जो, देखो ये कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स मैं इसका होल पावर का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो जैसे होल पावर कैसे, सपोज अगर इस पूरे को एक्स ही मान लेते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा भाई, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/3, ठीक है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कर, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी वेरिएबल के साथ, अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन में डी एक्स ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन में 3a, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। वरना आप चाहते तो इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे फिर आप सोल्व करेंगे। अब किसका नहीं कर सकते मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा 2x² + 4x + 3 लिखा और इसका होल स्क्वायर लिखा है, तब आप इसका इंटीग्रेशन अगर होल पावर का करेंगे तो ऑब्वियस ही बात इसका अपॉन में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे x कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए आप उसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। होल पावर कैसे नहीं कर सकते, अब जैसे मैं, ये तो नॉर्मल बात हो गई है, तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। अब ऑब्वियस ही बात है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब पावर वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे होता है। तो आप क्या करें, तो इसको आपको कोशिश ये करनी रहेगी जो पावर है उसको आपको कोई चेंज करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स में कोई ऐसा फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा जैसे कि हम इसको चेंज कर सकें। तो आप जानते हैं 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin² x होता है, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x / 2 = sin² x। तो इसके लिए आपको पूरे 11th के, 9th के, जो 10th के, 11th के और 12th के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूलाज थे, जो आपने 9th में, जो आपने 10th में, 11th, 12th में पढ़े, वो फार्मूला आपको सभी आना चाहिए। बस अब इसकी जगह आप ये रख देंगे तो 1 - cos 2x / 2, तो इसको बाहर लिख देंगे, और dx तो 1/2, 1 का क्या होता है x, ऑब्वियस सी बात मैंने बोला था, cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x और 2x अपॉन डिफरेंस c और प्लस में c। तो इस तरीके से आपको होल स्क्वायर का या क्यूब का या कोई भी पावर होगी आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर साइन क्यू एक्स होता तो आप उसको क्यू साइन 3x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते, अगर साइन की पावर 4 होती तो sin² x करके 2 हो जाते, समझ में आ गया आपको ये। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो होल डायरेक्ट होल पावर जो होती, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अगर उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ना हो तो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा जैसे कि ये लिखा हुआ है x² + 3x + 4 √x लिखा है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें हमें पता, इंटीग्रेशन में आपको पता है कि डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको आपको सभी को सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x² / √x + 3x / √x और 4/√x, तो इसको करेंगे तो आपस में पावर माइनस होंगी, तो ये पावर कितनी होती है, 1/2 होता है, तो x की पावर 3/2 बचेगा, ये 3x की पावर 1/2 बचेगा, ये 4x की पावर -1/2 बचेगा। अब इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो क्या होता है वही x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, 3 ऐसे रहेगा, x पर 1/2 + 1/1/2 + 1, और ये 4x और -1/2 + 1/-1/2 + 1 और प्लस में c। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x की पावर हो जाएगा 5/2, आई हो जाएगा 2/5, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, प्लस 3, ये आपका हो जाएगा x की पावर 3/2, और ये भी 3/2 था, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 2 आएगा, और ये इसको चेंज करें 1/2 बचेगा, तो x की पावर 1/2, तो इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 बचेगा, तो 4 × 2 तो 8 हो जाएगा प्लस में c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको जब भी डिवाइड वाले में होगा तो आपको कोशिश ये करनी पहले वो सेपरेट हो जाए, अलग अलग कर दें। अगर आप, अब सपोज करो कि अलग अलग नहीं होते तो क्या करेंगे, तो पहले ये नोट कर लीजिए, अब मैं आपको अलग अलग वाले बताता हूँ। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब मैंने आपसे क्या बोला था, डिवाइड वाला फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग करेंगे, ये तो सेपरेट भी नहीं हो सकता,
तो इस तरह की सिचुएशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पुट करना होता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको एक ऐसा नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको ऐसे नंबर में पुट करना है कि वो कोई दूसरा नंबर आ जाए या दूसरी स्टेप या दूसरा टर्म आ जाए। तो आप और उसका डिफरेंशिएशन आपको करना रहेगा, क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन। तो आप ध्यान से देखेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। अगर पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, कुछ भी एक नया नंबर, तो देखेंगे 1 का 0, x का 2x, डिफरेंशिएशन करना ध्यान रखिएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, तो आपको हो जाएगा 2x डी टी अपॉन में डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, x डी एक्स, तो x डी एक्स तो क्या हो जाएगा डी टी वाई टू आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे तो x से जगह आएगा डी टी वाई टू और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी टी, तो 1 अपॉन टू ऐसा ही डी टी अपॉन में टी, तो 1 अपॉन टी होता है log t। बस वापस वैल्यू रख देंगे, log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आगे चाहें तो इसको हम सॉल्व करें तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह एक क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, सब्स्टिट्यूट करना था, एक को रखें तो दूसरा आ जाए। तो ऐसे करके वो एक सिंपल हमारा इंटीग्रेशन हम जिससे कर सकें वो हमारा फंक्शन बन जाता है, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात आप पुट करेंगे पुट। अब आप ध्यान से देखें, कॉस को रखेंगे तो भी साइन आ जाएगा और साइन को रखेंगे तो भी कॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना ही रहता है, क्या मैं कॉस को टी रखूंगा तो ये टी बन जाएगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट तो बनेगा नहीं डी एक्स से, तो हमें क्या करना रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा। तो साइन एक्स को टी पुट करूंगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स कॉस टू डी टी, समझ रहे हैं बात को, आ गया cos x dx, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 प्लस sin x हो जाएगा t स्क्वायर, तो 1 अपॉन हो जाता है tan इनवर्स t, क्या होता है tan इनवर्स t, हो जाएगा tan इनवर्स sin x प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन होता है जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को पता होना चाहिए। अधिकतर चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने से या ऐसे या होल पावर वाली जो चीज़ें हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फिर बाकी के अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग मेथड होती हैं जिनकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई, आप चाहें तो वीडियो में आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रिक के वीडियोज़ भी डाले हुए हैं और बाकी मैं आपको फुल लेंथ वीडियोज़ भी आगे डालूंगा। तो होप यू गाइस आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।